वेलकम टू कपिल का किचन। आज की रेसिपी बहुत हेल्दी होने वाली है। इसका नाम है होल व्हीट एंड बनाना पैनकेक्स, यानी कि आटे और केले के मैं पैनकेक्स बनाऊंगा। इसमें कोई चीनी नहीं है, कोई मैदा नहीं है और ये एगलेस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर के ऊपर और इसमें मैं या तो सिरका या फिर नींबू का रस डाल के इसे मैं 5 मिनट के लिए बाहर रख दूँगा ताकि ये अच्छे से ये फट जाए। तो अब नेक्स्ट हम आटे पे आते हैं। हम लेंगे एक बोल के अंदर गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लार और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ज़रा सा नमक और राइजिंग एजेंट बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूंगा मैं और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से पहले मिक्स कर दूंगा। और फिर यहाँ पे मेरे पास पके हुए केले हैं और इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 दिन के लिए, तो ये अच्छे से गल चुके हैं, मशी हो चुके हैं और इनकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुझे इनमें बिल्कुल भी चीनी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 1 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हो। बस इन केलों को मैं अच्छे से फोक की हेल्प से मैश करूँगा और फिर ये बिल्कुल पल्पी हो जाएगा और इसको मैं डाल दूँगा आटे के अंदर। नेक्स्ट, ये जो फटा हुआ दूध है यानी कि जो ताज़ा बटर मिल्क हमने बनाया वो मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड करूँगा और इसे मैं मिक्स करूँगा तब तक जब तक ये पूरा अच्छे से आटा जो है वो गीला नहीं हो जाता। यहाँ पे बिल्कुल भी सूखा आटा बचना नहीं चाहिए और यहाँ पे सेमी थिक मुझे बैटर बनाकर तैयार करना है। ज़रा सा वैनिला एसेंस मैं डालूँगा फ्लेवर के लिए और ये ऑप्शनल है। एंड में जाएगा इसके अंदर पिघला हुआ मक्खन यानी कि मेल्टेड बटर और इसे डालने के बाद हम क्विकली मिक्स करेंगे और फिर अपने पैनकेक्स बनाएंगे। पैनकेक्स बनाने के लिए तवा जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिटवीन मीडियम टू लो वो गर्म होना चाहिए और उसके ऊपर हम एक कड़छी भरकर बैटर जो है वो डालेंगे। छोटे छोटे हम पैनकेक्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाना, तो मीडियम साइज़ के मैं बनाऊंगा यहाँ पे और इनको पहले पोर करेंगे और 30 सेकेंड में आप देखोगे इनके ऊपर है ना बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो इंडिकेशन है कि ये नीचे से पकना स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनते हैं पैनकेक्स जैसे कि होने चाहिए। तो 1 मिनट के बाद आपको लगेगा ये हल्के हल्के सिक गए हैं, इन्हें आप केयरफुली पलट देना तो आप देखोगे नीचे से बिल्कुल अच्छे से इनकी कैरमलाइजेशन हो चुकी होगी, अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके होंगे। बस हम पलट के इन्हें दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए और सेकेंगे और ये पैनकेक्स बनकर मज़ेदार फ्लफ़ी पैनकेक्स बिल्कुल तैयार हैं और हेल्दी, कोई मैदा नहीं है, एगलेस हैं और चीनी भी नहीं डाली इसके अंदर मैंने। स्वीटनेस जो है इसके अंदर वो बनानास की आ गई है। बस अब इनको हम प्लेट करते हैं, इनको गर्मा गर्म हम खाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए कमाल की ऑप्शन है। इसके ऊपर डालेंगे ज़रा सा मक्खन और फिर अपने मन पसंदीदा फ्रूट्स डाल सकते हो, बट मेरे पास यहाँ पे बनानास हैं तो अंदर भी हैं हालाँकि, बट मैं ऊपर और बनानास डालूंगा और इनके ऊपर मैं शहद डालूंगा। अगर आपके पास मेपल सिरप है तो वो आप डालें। गर्मा गर्म ये नाश्ते के लिए डिश है, ज़रूर बनाएँ, हेल्दी है तो डेफिनेटली ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। उसके साथ साथ मेरे चैनल कपिल का किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। तो मिलता हूं मैं कपिल आपको और भी इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक खाते रहें, खिलाते रहें एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।